नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप यू टर्न मार रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, आप स्मॉल कैप पे ध्यान दीजिए। गिरावट की शुरुआत इसी ने करी थी और यही आगे भी जाने की तैयारी कर रहा है। अभी स्मॉल कैप आधे परसेंट ऊपर है। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ, टाइम टू टाइम खबरें जो डिस्कस करता हूँ, वो कभी कभार बहुत ज्यादा काम आ जाती है। जैसे कि इस समय आप देखिए स्मॉल कैप आधा परसेंट मूव कर गया है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। स्मॉल कैप देख रहे होंगे तो थोड़ा और हमारे से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार ठीक है, टाइम से अपडेट मिल गई। तो ये आज की पूरे दिन की कहानी थी, जहां स्मॉल कैप ने ही शुरुआत अच्छी करी, गिरावट को लीड किया एंड देन फ्रंट फुट से भी यही सामने आई। तो अभी का डेटा देखूं तो वो ये दिख रहा है कि निफ्टी 130 पॉइंट नीचे लगभग आधे परसेंट से ज्यादा डाउन है। मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट आधे परसेंट डाउन है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी आधे आधे परसेंट के करीब की गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स आज ऑलमोस्ट आधे परसेंट ऊपर बंद हो रहा है। आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मार्केट में क्या खबर चल रही है, क्या बात चल रही है कि स्मॉल कैप में बबल है, मिड कैप थोड़े से वैल्यूएशंस वाइज महंगे हैं और लार्ज कैप में कंफर्ट है। लेकिन आज थोड़ा उल्टा हुआ, जो जितनी बड़ी कंपनी है उतना ज्यादा गिरी है और जितनी छोटी कंपनी है उतना कम गिरी है, बल्कि तेजी में है। आप इसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट मत करो, इंडेक्स लेवल पे कैलकुलेट करो। एकदम पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊं तो सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का समूह है, वो 0.7% डाउन है। ठीक है, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का समूह है, वो 0.57% डाउन है। यानी सेंसेक्स ज्यादा गिरा, यानी टॉप कंपनियां थोड़ी ज्यादा प्रेशर बना रही हैं और निफ्टी उससे थोड़ा कम गिरा है। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं, वो 0.51% डाउन है। ये टॉप 100 कंपनीज हैं, तो यहां पे थोड़ी और कम गिरावट हुई आपके लिए। और स्मॉल कैप 100 जो सबसे छोटी कंपनियां हैं, वो आधे परसेंट ऊपर है। तो ये देखा आपने कि आज ना लार्ज कैप टूटे हैं और स्मॉल कैप ऊपर है, लेकिन मार्केट ब्रेथ क्योंकि मिड कैप नीचे है, इसकी वजह से आपके लिए 1:1 है। ऑल इनफैक्ट 1:1 तो नहीं है, एक गिरने वाले के सामने एक बढ़ने वाले के सामने डेढ़ शेयर्स गिर रहे हैं ऑलमोस्ट आप, या फिर ये कह लीजिए दो बढ़ने वाले शेयर्स के सामने तीन शेयर गिरने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल 940 शेयर्स आपके पॉजिटिव हैं, 1300 शेयर्स से ज्यादा नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 22,000 के ऊपर है, ये सबसे अच्छी बात है। अभी भी 19 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में। 22 मैं कोशिश कर रहा था कि मतलब थोड़ा और वेट कर लूं, बट ठीक है पोस्ट मार्केट हमारी वीडियो आती तो मैंने कहा अब बनाना सही रहेगा। तो 22,000 के ऊपर पॉजिटिव क्या है, सेंटीमेंट्स, डेटा कुछ नहीं कह रहा, सेंटीमेंट्स। आप साइकोलॉजिकली 22,000 बोलोगे और वीकली क्लोजिंग है आज, तो ये अच्छी बात है, आप नीचे से घूमे हो। अब इंटरेस्टिंग एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप निफ्टी पे ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, सिंगल डे की एक कैंडल निकालिएगा, सिंगल डे की एक कैंडल। वैसे मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात नहीं करता हूं, बट ठीक है जरूरी है तो बताता हूं। एक बहुत बड़ी मदर कैंडल आप कह सकते हो, 3 दिन पहले बनी थी वो परसों बुधवार को, ठीक है बहुत बड़ी गिरावट आई। कल एक रिकवरी आई, बाउंस बैक आया, जहां भी मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था टेक्निकल टर्म्स पे कि अभी भी हमने कोई कल के दिन का हाई ब्रेक नहीं कर दिया, यानी कि बुधवार का हाई ब्रेक नहीं कर दिया। उछाल जरूर है बट सस्टेनेबल नहीं है, वेट करो, यही कहा था आपसे कल मैंने। और नीचे में भी हमने फ्रेश लो नहीं बनाया, ये अच्छी बात थी कल। तो कल हम उस कैंडल के अंदर ट्रेड करते रहे और आज तीसरा दिन है और ये ऐसी कैंडल बन रही है, ये कल के अंदर ट्रेड कर गई। यानी कि जो रेंज है वो आपकी छोटी हो रही है। अब ये क्या करने की कोशिश करेगा बाजार, ये जो आज के ऊपर और नीचे के लेवल्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नीचे में लेवल ब्रेक करा तो फिर आपके लिए घर खुल गया नीचे 100-200 पॉइंट्स का, ऊपर में ब्रेक करा तो ये संकेत आएंगे कि जितनी नेगेटिविटी थी वो ओवर हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा बड़ी तेजी आएगी, बट नेगेटिविटी ओवर हो रही है और 21,900 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन पे ये चार्ट भी शेयर करने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप केवल लास्ट की 3 कैंडल देखिए, ये एक दिन की एक कैंडल है। यहां आपको देखिएगा एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, वो बुधवार की है जो बड़ी गिरावट आई थी, ये निफ्टी का चार्ट है। फिर थर्सडे को आपको रिकवरी देखने को मिली, उस रिकवरी में हमने वेंसडे के हाईस को ब्रेक नहीं करा और वेंसडे के लो को भी ब्रेक नहीं करा, अच्छी बात ये थी। और आज की कैंडल देखो, ये थर्सडे के भी हाई और लो के बीच में ट्रेड कर गई है। और इस कैंडल को अगर आप एग्जैक्टली देखें, इसे इनडिसीजन कैंडल कहा जाता है, इनडिसीजन, डोजी कैंडल भी कहते हैं हम, मतलब डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन। तो ये डोजी कैंडल टाइप हो रही है। अब आप ये मत कहना डोजी बिल्कुल बंद हो जाती है, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद है क्योंकि ऊपर में जो इसकी विक है और नीचे में जो इसकी विक है उसके बीच में आके बंद हो रहा है बाजार कहीं ना कहीं। तो जहां खुला वहीं के आसपास बंद हो रहा है। अगर आप देखो ना पॉइंट टर्म्स में,
143 पॉइंट नीचे दिखेगा आपको, लेकिन ओपन ऑलमोस्ट इसी लेवल, मैं अगर एग्जैक्टली देखो तो 22,064 की ओपनिंग दिख रही है पॉइंट, जो फर्स्ट टिक दिख रही है भाई, हाँ वहीं कहीं आसपास वो खुला था, बट कैंडल वाइज देखो थोड़ा सा नीचे आके बंद हो रहे हैं हम, बट बीच में दिख रहा है हमें ना, बॉटम साइड पे ना ऊपर की साइड पे, तो ये कुछ भी नहीं है। आज का दिन लड़ रहे थे आपस में, जो बुल्स एंड बियर्स हैं आपस में लड़ रहे थे, फाइट थी बहुत तंगड़ी, कोई नहीं जीता, मंडे होगा डिसीजन वाला दिन। तो आज जो बाजार में हुआ है ना, ये टेक्निकल टर्म्स पे स्टडी करने के लिए बेस्ट चीज थी, और मैंने कोशिश करी आपको कि समझा पाऊं, और होप आपको समझ में आई होगी चीजें। खबरें मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी, स्टॉक्स डिस्कस नहीं करी, टाइम भी ओवर हो रहा है, बट दिन के दौरान वीकेंड है, सब कुछ डिस्कस कर ही देंगे आप सभी के साथ। जो चीजें अच्छी थी, समझाने वाली थी, दोनों डिस्कस करी है। तो आज का दिन ना कुछ भी नहीं था, लड़ाई थी, और लड़ाई में कोई नहीं जीता, मंडे डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।